हेलो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में हम आगे बढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी देखी पिछली वीडियो में हमने कुछ किया था। ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट किया था साइन थीटा कोस थीटा, ये सभी क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, राइट एंगल ट्रायंगल। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे आइडेंटिटी में। जैसे एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल होता है। एक होता है secant square theta minus tan square theta is equal to 1, cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1, ये 3 1 होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसमें देखो, मैंने कहा था कि कोई भी आइडेंटिटी है उसको कोई ना कोई लॉजिक चिपका दो। जैसे SC, S से sin, C से cos, तो SC मतलब एक कास्ट का नाम है, SC मतलब जाति, तो कास्ट का नाम है, तो हम प्लस लेंगे कितनी जाती हैं, 1। ये मतलब कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बस ये मतलब याद रखने के लिए। अब देखो यहाँ पे ST सचिन तेंदुलकर व्यक्ति का नाम है, CC चाचा चौधरी, तो ये भी व्यक्ति है, ये भी सचिन तेंदुलकर भी व्यक्ति है, चाचा चौधरी भी व्यक्ति है, व्यक्ति है इसलिए हमने लिया है इनमें माइनस। SC कास्ट है इसलिए ले लिया हमने प्लस। कितनी कास्ट है? 1। कितना व्यक्ति है सचिन तेंदुलकर? 1। चाचा जो देख कितने 1। तो ये मतलब कोई लॉजिक तो नहीं है, लेकिन बस याद रखने के लिए मैंने बोला था। मैथ में जो भी आइडेंटिटी है याद रखने के लिए कोई ना कोई लॉजिक उसके ऊपर चिपकाओ, तो चिपका दीजिए। अब हम इनको प्रूव करेंगे कि ये कहां से आया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमें प्रूव करना है। 1 कैसे? देखो कल हमने किया था पिछली वीडियो में, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, और ये CSC साइन कोस टेन कोसिकेंट सीकेंट कोट, इनका हम यूज करेंगे। तो साइन थीटा क्या है? P अपॉन एच स्क्वेयर है, तो इनका भी स्क्वेयर कीजिए, प्लस की जगह प्लस। कोस थीटा कितना है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे स्क्वायर है कोस का, तो इसका भी क्या करेंगे हम? स्क्वायर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी कोस थीटा की। अब कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे? इनके बीच में क्या है? प्लस। सोल्व करेंगे इसको, दोनों के नीचे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, एलसीएम ले लो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर को 1 हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, ऊपर क्या आएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब जो नॉर्मल एलसीएम लेके फ्रैक्शन में ऐड करते हैं ना, वही प्रॉपर्टी यूज करें। एलसीएम को लोअर पार्ट से डिवाइड किया, कितना आएगा? 1 * बेस स्क्वायर। अब ये आपको पता है कि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज कहां पे यूज कर रहे हो आप? राइट एंगल ट्रायंगल में, दैट्स राइट एंगल एक्यूट एंगल। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम भी तो यूज कर सकते हैं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इसी एक आंसर हो गया। कितना आ गया? 1। यही तो हमें चाहिए था, प्रूव करना था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली हम ये प्रूव करेंगे, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालो। जैसे secant इसके अंदर पुट किया था ना, वैसे देखो ये भी रिपीट हो जाएगा, ऐसा ही है कि इसको हमने कैसे किया था, ध्यान से देखो। secant थीटा क्या है? h अपॉन b, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, माइनस tan थीटा। tan कितना है? p अपॉन b, tan ऊपर लिखा गया, इसके नीचे क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लिख दीजिएगा स्क्वायर है, तो इनका भी क्या करेंगे? स्क्वायर। अब ऐड करो, दोनों के नीचे क्या है? बेस स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा बेस स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। जो नॉर्मली फ्रैक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, वही तो प्रॉपर्टी यूज की है इसमें एलसीएम लेके। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम पे ही है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा? बेस स्क्वायर।
तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर किस किस के क्या लिख देंगे हम, बेस स्क्वायर अपॉन में बेस स्क्वायर है, बेस स्क्वायर से बेस स्क्वायर कैंसिल कितना आ गया 1, तो सेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1। तो ये प्रॉपर्टी हम आगे करते हैं, नेक्स्ट लास्ट वन जो क्या है, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इसके अंदर देखो यही सेम है, पहले लिख दो आप कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेकेंट कितना होगा, कोसेकेंट नीचे लिखा, नीचे से लिखो एच अपॉन बी, एच अपॉन बी इसका स्क्वायर है, इनका भी क्या कर देंगे हम स्क्वायर माइनस कोट, कोट कहां पे नीचे, तो क्या है बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो, दोनों के नीचे परपेंडिकुलर स्क्वायर है एलसीएम लेंगे, ऊपर कितना आएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके क्या हो गया माइनस का, तो यहां पे साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर, अपॉन में परपेंडिकुलर स्क्वायर इसी है कैंसिल कितना आ गया 1, यही तो हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार 3-1 हो गया हमारे पास, आगे हम यूज करेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें यूज करना हो तो क्या करना है, जहां पे भी sin² थीटा + cos² थीटा होगा क्या होगा 1, secant² थीटा - tan² थीटा होगा 1, cosec² थीटा - cot² थीटा कहीं पे होगा 1। अब यहां पे ये दोनों एक ही चीज है, थीटा 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 थीटा, मतलब जहां पे ये एंगल हो वही एंगल यहां पे होना चाहिए, ये दोनों एंगल सेम हो, ये दोनों एंगल भी सेम हो, ये दोनों एंगल भी सेम हो, ये दोनों डिफरेंट एंगल हैं तो हम इनको वन नहीं कहेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि जैसे हम पीछे से करते आ रहे हैं आइडेंटिटी, यही आइडेंटिटी आगे बढ़ेगी, इन्हीं से हम आगे बढ़ना है। देखो जैसे आपको लिखाया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, यहां से भी आइडेंटिटी बना सकते हो आप, क्या जैसे कहीं पे भी साइन स्क्वायर थीटा हो गया तो वो क्या होगा, ये प्लस का इधर आगे माइनस का 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इट मींस साइन स्क्वायर जहां पे लिख रखा हो वहां पे आप 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या फिर जहां पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख रखा वहां पे क्या लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आपकी आइडेंटिटी होगी। सेम टू सेम कोस स्क्वायर थीटा भी यहां से आप निकाल सकते हो, 1 प्लस का साइन स्क्वायर अब की बार इधर आके माइनस का हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा है वहां पे क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वहां पे आप क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। ये ध्यान रखें ये दोनों एंगल सेम ही होंगे, जैसे हमने इसका नाम थीटा दिया तो इसको भी थीटा दिया है तो दोनों एंगल सेम है। सिमिलरली सेकंड आइडेंटिटी क्या थी, secant square theta minus tan square theta is 1, जैसे इनकी वैल्यू निकाली यहां से ऐसे ही वैल्यू निकालो, secant square theta क्या होगा माइनस का tan square theta इधर आके प्लस का 1 plus tan square theta, और tan square theta क्या होगा फिर यहां से ये प्लस का बन इधर आके माइनस का secant square theta माइनस 1। तो दो आइडेंटिटी यहां से आई थी, दो आइडेंटिटी और आ गई यहां से, टोटल ये 3 और ये 3। इसी प्रकार जो हमारा cosecant square theta माइनस cot square theta चाचा चौधरी जिसको आप बोलते हो कितना होता है 1, तो cosecant square theta कितना होगा 1 प्लस cot square theta, क्या हो गया 1 प्लस cot square theta, और cot square theta कितना हो जाएगा cosecant square theta माइनस 1, ये आइडेंटिटी होगी आपकी, मतलब इन्हीं आइडेंटिटी से ये आइडेंटिटी, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे 3 आइडेंटिटी याद होगी 3 वंस क्या होते हैं उसी प्रकार उन 3 आइडेंटिटी से 6 आइडेंटिटी और आ जाएंगी। तो इस प्रकार आप हम आगे इनको आइडेंटिटीज को यूज करेंगे, ये बहुत अच्छी आइडेंटिटी है, इनको आप 10th क्लास में प्लस 1 में 2 में भी यूज करेंगे, और प्लस 1 2 की ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको सीखने के लिए आपको ये आइडेंटिटी पहले 10th की आइडेंटिटी क्लियर करनी होगी, ये सीखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे प्लस 1 2 में तो वहां पे भी करेंगे, लेकिन इनको अच्छे से करेंगे,
ये एक बार देख लिया आपने वीडियो, फिर से दोबारा देखो और वहां पे उसको स्टॉप करके फिर अपनी कॉपी में करके देखो, खुद खुद जितनी प्रैक्टिस करोगे उससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं। एक बार देखें समझे और अपने आप आइडेंटिटी को बढ़ाए। इससे आगे अब हम जैसे इन ट्रिग्नोमेट्री को यूज करेंगे, जैसे हमने कल किया था ना साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारा 1 कोसेकेंट्स थीटा, ये कहां से आया था, वही पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तो साइन कोस टेन सी एस सी कोसिकेंट सीकेंट कोट। अब साइन रेसिप्रोकल है कोसिकेंट का, तो साइन थीटा 1 कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा इज 1 साइन, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस किसका रेसिप्रोकल है सीकेंट थीटा को, तो हम लिख सकते हैं 1 सीकेंट, सीकेंट को लिख सकते हो 1 कोस, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। समझने की जरूरत नहीं है, अपने आप मतलब साइन के नीचे कौन लिखा गया कोसिकेंट समझ जाओ कि साइन थीटा 1 कोसिकेंट है, कोसिकेंट के ऊपर कौन है साइन, तो समझ जाओ कि कोसिकेंट का रेसिप्रोकल 1 साइन है, कोस के नीचे सीकेंट है तो क्या लिखेंगे कोस इज इक्वल टू 1 सीकेंट, सीकेंट का रेसिप्रोकल, और सीकेंट के ऊपर है कोस तो सीकेंट को लिखोगे 1 कोस, टेन को 1 कोट, कोट को 1/10, वही प्रॉपर्टी साइन के नीचे कोसिकेंट है तो ये कोसिकेंट का रेसिप्रोकल है, कोसिकेंट के ऊपर साइन है तो ये साइन का रेसिप्रोकल है। इसी प्रकार टेन को लिख सकते हो आप 1 कोट, कोट को लिखोगे 1/10। अब ये दो प्रॉपर्टी और होंगी, जैसे टेन थीटा होता है आपका, इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा बाई कोस थीटा, क्यों देखिएगा साइन क्या होता है, इसको हम प्रूव कर रहे हैं, देखो साइन थीटा परपेंडिकुलर कोण हाइपोटेन्यूज डिवाइड में ये साइन थीटा की जगह लिख दिया हमने कोस थीटा, कोस थीटा क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इस फॉर्म में कभी भी आपकी फ्रैक्शन हो मतलब ऊपर भी फ्रैक्शन है और नीचे भी, तो क्या करते हैं अपर फ्रैक्शन तो सेम रहेगी और लोअर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, एच ऊपर आ जाएगा बी नीचे रहेगा, अब देखो एच से एच हो गया कैंसिल, क्या बच गया पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेन थीटा, तो ये किसके इक्वल हो गया टेन थीटा के इक्वल, मतलब हम लेके चले थे साइन अपॉन कोस, इसको सिंपलीफाई किया कहां पहुंच गए हम टेन थीटा में, तो ये टेन थीटा की आइडेंटिटी होगी। अब टेन का रेसिप्रोकल कोट है, टेन का रेसिप्रोकल कोट है तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दो कोस बाई साइन, कोस बाई साइन, तो हम आगे मतलब ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव के क्वेश्चन आएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना, तो हम क्या करेंगे सभी को साइन कोस में चेंज करेंगे, सभी को साइन कोस में, साइन कोस तो अपने आप में साइन कोस हैं, अब कोसिकेंट थीटा है उसको लिखना है 1 साइन, सीकेंट है उसको लिखना है 1 कोस, टेन है उसको लिखना है साइन बाई कोस, कोट है उसको लिखना है कोस बाई साइन, ये चीज आप याद रखें, मतलब हमें कोई भी आइडेंटिटी प्रूव करनी है कोई भी क्वेश्चन में प्रूव का क्वेश्चन है, दो साइड्स को इक्वल दिखाना है तीन साइड को इक्वल दिखाना है तो अलग अलग सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने से पहले हम उन सभी को साइन कोस में चेंज कर लेंगे, जैसे हम आगे क्वेश्चन करेंगे ना आइडेंटिटी करने के बाद तब वो और भी अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब नेक्स्ट देखो इसी में, केवल आज हम प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी करने वाले हैं, ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कुछ क्वेश्चन समझेंगे कुछ अपने आप भी निकाल देंगे, फिर क्वेश्चन चेंज हो गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से निकाल सकते हो उसको। अब देखें कि कुछ एंगल से रिलेटेड हम एंगल की प्रॉपर्टी बनाएंगे, जैसे कुछ साइन थीटा है कोस थीटा है टेन थीटा है कोसिकेंट सीकेंट कोट, टेबल बनाएंगे, टेबल बनानी सीखेंगे खुद बना लेंगे, एक बार देखने के बाद यहाँ पे होगा 0 degree 30 degree 45 60 and 90, इन सभी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही आसान है देखते जाइए आप,
एक बार देखेंगे, खुद तैयार कर लेंगे, खुद बनाना ही सीख लेंगे और सिखाने में भी आपको मदद मिलेगी। साइन कोस टेन सबसे पहले हमने लिखा, जैसे इसका मतलब है कि साइन जीरो डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की, इन सभी की वैल्यू फाइंड आउट करना आपको, ये याद रखना होगा, 0, 30, 45, 60, 90। अब हम यहां से शुरू करेंगे जीरो से, 0, 1, 2, 3, 4। अब इधर से शुरू कर दो, 0, 1, 2, 3, 4। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 है, सभी के नीचे 4 लिख लो। बहुत ही आसान है, देखते जाएं आप, क्योंकि मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं, बस इसमें ये जो लॉजिक है, ये प्रॉपर्टी है, ये समझना होता है। लॉजिक समझ में आ गया, समझ में आ गया, सीख गया, तो मतलब कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हो। क्वेश्चन में चेंज हो गया आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको वो आता है, अगर आपने सीखा है तो। कई बच्चे क्या करते हैं, क्लास में देखते हैं, देखते हैं कि टीचर ने समझा दिया, उस समय उनको लगता है कि समझ में आ गया, लेकिन बाद में साफ हो जाता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं, केवल देखा देखा है। तो आप समझिएगा, समझोगे सीखोगे तो बहुत आसान रहेगा। सबके नीचे 4 कर दिया, आप इनके ऊपर रूट लगा दो, ये इनकी वैल्यूज होगी, सभी के ऊपर आपने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, 0 अपॉन समथिंग 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, पहले कैंसिल आउट करेंगे, 2, 1 जा 2, 2, 2 जा 4, ऊपर बच गया 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 और नीचे रूट 2, रूट 3 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 by 4 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, सेम टू सेम यहाँ पे 0 upon something 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, कैंसिल आउट करो, ऊपर बचेगा 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट रूट 2, 3 का स्क्वायर रूट रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 by 4 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। अब देखो साइन 0 0, साइन 30 1 by 2, साइन 45 1 by root 2, साइन 60 root 3 by 2, साइन 90 1, मतलब इनकी वैल्यू निकाली। जैसे ये वैल्यू है किस चीज की है सर, देखें वो इधर ओरिजिनली आएंगे cos थीटा, वर्टिकली ऊपर जाओ कितना है 45, cos 45 कितना हो गया 1 by root 2। इस प्रकार tan थीटा क्या होगा, हमने पढ़ा था अभी अभी, tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, sin 0 upon cos 0, तो sin by cos, 0 upon something 0, 1 by 2, यहाँ पे सिंपलीफाई करेंगे, डिवाइड में sin थीटा डिवाइड में cos थीटा, ये sin की वैल्यू है ये cos की, sin upon cos, sin तो यूं का यूं रहेगा, डिवाइड में आएगा cos, डिवाइड वाली फ्रैक्शन ऊपर जाके चेंज हो जाएगी, रेसिप्रोकल 2 ऊपर चला गया, root 3 नीचे, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया 1 by root 3, सेम टू सेम साइन 45 अपॉन कोस 45, 1 by root 2 upon 1 by root 2, सेम नंबर है तो कैंसिल होके कितना आएगा 1। इसी प्रकार साइन 60 अपॉन कोस 60 कितना होगा, root 3 by 2, डिवाइड में 1 by 2, तो नीचे वाली फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया root 3, 1 upon 0, डिनोमिनेटर जिस भी फ्रैक्शन का 0 हो उस नंबर को हम डिफाइन नहीं कर सकते, 1 upon 0 is not defined। अब ये तीन वैल्यू आने के बाद ये तीन अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि पता आपको cosecant थीटा इसका रेसिप्रोकल है sin का, cosecant को लिख सकते हैं 1 by sin, secant cos का रेसिप्रोकल 1 by cos, cot tan का रेसिप्रोकल, तो cosecant 0 कितना हो गया, sin 0 का रेसिप्रोकल, देखो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0 को नीचे कुछ भी नंबर मान लो 1 मान लिया जैसे, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1 upon 0, इसका रेसिप्रोकल किया 1 upon 0, नीचे क्या आ गया 0, इट मींस 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, और अगर ये नॉट डिफाइन होता 1 upon 0, इसका रेसिप्रोकल 0 upon 1, मतलब 0। तो ये याद रखें, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0, 1 by 2 का रेसिप्रोकल 2 by 1, 1 by root 2 का root 2 by 1, 2 by root 3,
वन का रेसिप्रोकल वन ही रहेगा, वन अपॉन वन रेसिप्रोकल वन अपॉन वन ही रहेगा। अब सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल लिख दीजिए डायरेक्ट, कोस का रेसिप्रोकल कर दिया हमने, जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। कोट टेन का रेसिप्रोकल, जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, रूट थ्री वन वन बाय रूट थ्री नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल जीरो। ये हमारी टेबल हो गई। अब इस टेबल का यूज करना होगा हमें क्वेश्चन में। 1045 आ गया तो वैल्यू क्या होगी, 1045 किस गए हम क्या लिख देंगे 1, 1060 आ गया, 1060 की वैल्यू कितना होगी रूट थ्री, यहाँ से 10 के पैरेलल गए, यहाँ 60 के पैरेलल गए, ये वर्टिकली होता है ये ओरिजेंटली, कितना हो गया ये रूट थ्री। ओरिजेंटली और वर्टिकली मीन्स क्या होता है, ग्राउंड के जो पैरेलल होगी वो ओरिजेंटली है और ग्राउंड के जो परपेंडिकुलर है वो वर्टिकली है, इस चीज का भी आप ध्यान रखिए। अब इस टेबल से कुछ और आइडेंटिटी बनेगी, जैसे होता है नहीं साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, मतलब एंगल में चेंज करना साइन को कोस में, और साइन को कोस में चेंज क्यों कर रहे हैं हम, कोस को साइन में चेंज क्यों करेंगे। देखो इस टेबल को देखिए, साइन और कोस की वैल्यू देखें, हमें कुछ सेम नजर आ रहा है, जीरो वन बाय टू वन बाय रूट टू रूट थ्री बाय टू वन, लेकिन ये वैल्यू सेम है, कब सेम है ये पहचानो। यहाँ पे देखो साइन जीरो डिग्री जीरो है, कोस 90 डिग्री जीरो है, दोनों एंगल का सम करो जीरो और 90 वैल्यू सेम, ये वैल्यू भी सेम है 30 और 60 90 वैल्यू सेम, 45 90 60 30 90 90 जीरो 90 वैल्यू सेम है 1 रूट थ्री बाई टू, मतलब साइन और कोस की वैल्यू सेम है, कब, जब भी इनके एंगल का सम 90 होगा, तो इसलिए हम इसको चेंज करेंगे साइन थीटा को कोस में, क्या लिखेंगे साइन थीटा इज कोस 90 माइनस थीटा, थीटा किस गया 30 रखो साइन 30, कोस 90 माइनस 30 तो ये हो गया कोस 60, साइन 30 और कोस 60 इक्वल हो जाएंगे। इसी प्रकार यहां से कोस को क्या चेंज करेंगे, कोस को साइन में चेंज करेंगे, रीजन वही है क्यों कि टेबल देखा हमने, टेबल के अंदर साइन और कोस की वैल्यू सेम है, जब भी एंगल का सम 90 है तो कोस थीटा हो गया हमारा साइन 90 माइनस थीटा, यही रीजन। देखो कोसेकेंट और सेकेंट में वैल्यू सेम है, कब, जब इनके एंगल का सम 90 है, तो कोसेकेंट को लिखेंगे हम सेकेंट 90 माइनस थीटा और सेकेंट को लिखेंगे कोसेकेंट 90 माइनस थीटा, यही रीजन है कोट और टेन में वैल्यू सेम है जीरो वन बाय रूट थ्री वन रूट थ्री नो डिफाइन, कब, जब एंगल का सम 90 है, तो टेन थीटा को आप लिखोगे कोट 90 माइनस थीटा, कोट को लिखोगे टेन 90 माइनस थीटा। ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज करनी है वो भी हम आगे क्वेश्चनों में बताएंगे, जैसे 0, 30, 45, 60, 90 के अलावा ये वैल्यू आ जाएंगी तो आप इनकी वैल्यू पुट कर सकते हो टेबल से, इनके अलावा जो भी एंगल आएंगे प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो इस प्रकार हम आइडेंटिटी से आइडेंटिटी करते जा रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी, सारी आइडेंटिटी अगर आपको आ जाएंगी सीख जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ही आसान है। आइडेंटिटी नहीं आई या आपने रट एप्लीकेशन कर लिया तो क्वेश्चन में जाते ही आपको प्रॉब्लम होगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा इनकी प्रॉपर्टीज को सीखना। इसमें किसी को डाउट लगे, किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम आपके डाउट को देखेंगे और समझाएंगे और आपकी डाउट को भी समझेंगे। तो इस प्रकार इसमें हम और ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप बताएं, डाउट कमेंट बॉक्स में डाल दें, और चैनल को आगे सीखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा जो चैनल है वो है मैथ्स एजुकेशन बाय रोहित सर पुनिया, ये तो हमारा नाम है, चैनल का नाम है मैथ्स एजुकेशन, तो इसको आप लाइक करो सब्सक्राइब करो और शेयर करो। 9th 10th प्लस 1 2 जितने भी बच्चे हैं उनकी प्रॉब्लम हम देखेंगे, मैथ के अंदर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो किसी भी चैप्टर में हो कमेंट बॉक्स में डाल दो, हम आपका जवाब देंगे और आपको समझाएंगे, डेफिनेटली समझाएंगे कि आपको समझ में भी आएगा।
फिर आपको मतलब कोई समझ लिया फिर भी आपको कहीं ना कहीं डाउट रह जाती है कि हमें तो ये चीज भूल जाते हैं, एक बार कर लेते हैं दोबारा नहीं आती, समझ में नहीं आता, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये होगा या ये होगा दो चीज, तो इन सभी बातों का भी हम इलाज करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी डाउट हो वो डाल दें, और हमारा जो चैनल है वो मैथ्स एजुकेशन है, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।